सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें डेली वीडियो अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करके बताने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये मेरा 1.5 मीटर कपड़ा है, इसको मैं डबल फोल्ड की हूँ। ये 1.5 मीटर कपड़ा है, इसको मैं डबल फोल्ड की हूँ। अभी इसको 4 फोल्ड करना है। ये मुझे अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना है, इसको मैं ऐसे कोना करके 4 फोल्ड की हूँ। देखिए, इसको यहाँ बराबर से 4 फोल्ड करना है। ताकि कहीं पे कपड़ा सूखे नहीं। इसके फ्रॉक की लंबाई है 31, पूरी लंबाई तैयार लंबाई है 31, और इसका घेरे की लंबाई है 21, पेटी है 10 इंच की, और कमर है 19 इंच, शोल्डर है 6 इंच, स्लीव्स आस्तीन की लंबाई है 6 इंच और स्लीव्स की गोलाई है 4 इंच। आइए मेजरमेंट करती हूँ। ये इसका कमर है, मैं 19 इंच रखी हूँ, तो ये तैयार कम मैं सिलाई के लिए आधी इंच नीचे आधी इंच ऊपर मैं 5 इंच रख रही हूँ। ये मेरा 5 इंच पे है कमर, ये 5 इंच पे निशान हुआ। अब मैं यहाँ से इसको इसकी लेंथ नापेंगे, तो इसकी लेंथ है यहाँ पे 21 इंच, तो यहाँ मैं 21.5 इंच रखी हूँ आधी इंच नीचे की सिलाई के लिए। तो ऐसे करके निशान लगाना है, फिर यहाँ ऐसे करके, फिर यहाँ ऐसे करके निशान लगाना है। तो ये अब मुझे इस निशान को बराबर करना है। देखिए, यहाँ से मैं पहले कमर की कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं घेरे की कटिंग कर रही हूँ। जब ये ऐसे देखिए कटिंग हो गया, ये कटिंग हो जाए उसके बाद इसको ऐसे करके नाप लें, ये बराबर हो तो सही है, और अगर कहीं पे थोड़ा कम ज़्यादा हो तो इसको फिर ऐसे करके बराबर कर लें कट के। हाँ, ऐसे बराबर है, सब सिलने में आ जाएगा। ये देखिए, ये मेरा अम्ब्रेला फ्रॉक कट के तैयार है। अब मैं इस पे घेरे ये चोली बनाऊंगी। आइए मैं अब उसको पेटी की कटिंग करके बताती हूँ। इसका जो साइड का कपड़ा बचा हुआ है इसी में मैं चोली बनाऊंगी, तो इसको मैं बराबर से ले हूँ, ये 4 फोल्ड करती हूँ। इसका मैं शोल्डर रखती हूँ 6 इंच। पहले पूरी लंबाई देखिए, लंबाई में रखती हूँ 11.5 इंच। ये 11.5 इंच मेरी लंबाई हो गई, ये 6 इंच शोल्डर है, और आर्म होल्ड रखेंगे 1/2 इंच बढ़ा देते हैं, 6.5 इंच, 6.5 इंच। इसका जो ये चेस्ट है
6.5 इंच तैयार है। ये 6.5 इंच तैयार है और इसको 1.5 इंच 1 इंच मैं सिलाई के लिए रखती हूँ। 1.5 इंच 1.5 इंच मैं सिलाई के लिए रखती हूँ। मैं रखूँगी 7.5 इंच। ये इसमें मैं 1 इंच गोलाई दे रही हूँ। ये कमर है, कमर है इसका 14 इंच, मैं आधा इंच बढ़ा के देती हूँ। ये 7.5 इंच, ये यहाँ से मैं निशान लगाती हूँ क्रॉस। ये गले का मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। इस पे मैं 1/2 इंच ऐसे क्रॉस करके कटिंग कर दूँगी। ये अगर सामने में रहेगा फ्रंट में, इसको भी 1/2 इंच ऐसे निशान लगा देते, इसको काट लेंगे। सिर्फ फ्रंट को काटना है। आइए अब कटिंग करते हैं। ये कट गया है। अब इसको मैं 2 निकाल दे रही हूँ, ये फ्रंट का, ये है। फिर इसमें बीच में मैं कट लगा लूँगी घेरे में फिट करने के लिए, और ये बीच का कपड़ा हटा देती हूँ। यहाँ पे मैं निशान लगाई हूँ कि थोड़ा थोड़ा 1/2 इंच इसको ऐसे करके कटिंग कर देंगे। अलग से नहीं कटिंग है, सिर्फ अंदर ही करना है। ये 1/2 इंच हटा देंगे। आइए मैं अब स्लिप्स बता रही हूँ। सिर्फ इसको यहाँ से हल्का सा कटिंग कर देना है, सिर्फ निशान के लिए कि यहाँ पे सिलाई करने का है। ये मेरे फ्रॉक में साइड से कपड़ा बचा हुआ था, उसी से मैं इसका बैलून वाला आस्तीन बनाई। इसको हमेशा ये बराबर में रखिए, ये बराबर में आना चाहिए। ये देखिए मेरा फुग्गे वाला आस्तीन कट के तैयार हो गया है। अब इसको मैं यहाँ से अलग अलग कर लेती हूँ। ये हो गया है कट के, मेरा ये 2 आस्तीन तैयार हो गया है। अब मैं अभी स्टिचिंग करूँगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसके सिलने का तरीका।